तुम्हारी बहादुरी के नाम। थैंक यू रेवा। ऐसा क्राउन तो जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग पहनते हैं ना? क्या सच में आदिवासी होते हैं? मैंने सुना है वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं। सही सुना है तूने, वो लोग बड़े खतरनाक होते हैं। मैंने तो गांव में उनका सामना भी किया है। कैसे? एक बार आदिवासी मेरे गांव में घुस आए थे। उनको हमारा खाना चाहिए था, हमने उनको खाना भी दिया था, पर सब बार बार आने लगे। एक दिन मैंने उन लोगों को खाना देने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? आदिवासी लोगों ने गुस्से में आकर बहुत सारे तीर एक साथ हमारी तरफ चला दिए। मैंने सूप, सूप करके सारे तीर पकड़ लिए और उन तीरों का ऐसा एक क्राउन बना के उनके सरदार को पहना दिया और बोल दिया, दोबारा लौट कर कभी मत आना वरना एक भी तीर नहीं बचेगा। फिर उन लोगों ने डर के मारे आदि को ही अपना सरदार मान लिया। सही कहा ना आदि? अच्छा तो तुम लोग एक्टिंग कर रहे थे, मेरी बातों का फिर मजाक उड़ाया। अरे नहीं आदि युदी, आदिवासी खतरनाक नहीं होते, जंगल में रहते हुए वैसे बन जाते हैं। हेलो शिवा, कैसे हो तुम सब लोग? हाय। लड्डू सिंह जी, ये आप सब इतना सील पैक टाइप किसी वॉर पर जा रहे हैं क्या? करेक्ट, हमें खबर मिली है कि जंगल में टेररिस्ट जगीरा अपने 8-10 साथियों के साथ छुपा हुआ है। हम लोग कमांडो फोर्स के साथ वहाँ पर रेड मार कर उनको पकड़ने जा रहे हैं। आओ आ जाओ, तुम लोग भी चलो साथ में, चलो। क्या कह रहे हो लड्डू सिंह? आई थॉट तुम मिलने के लिए रुके हो। हम लोग कोई पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, जो बच्चों को साथ चलने के लिए कह रहे हो। कम ऑन फास्ट, यू हैव टू गो। ओके सर, ओके। शायद लड्डू सिंह जी को हमारी मदद की जरूरत पड़ सकती है, चलो हम भी उनके पीछे चलते हैं। नहीं नहीं, मेरे पापा ने एक बार बताया था कि टेररिस्ट सच में बहुत खतरनाक होते हैं। जब तक लड्डू सिंह जी हम लोगों को खुद नहीं बुलाते, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। आई थिंक यू आर राइट रेवा। अरे हमें क्या करना, टेररिस्ट हो या आदिवासी? चलो अपना टिफिन खत्म करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। उस तरफ से कुछ आवाजें आ रही हैं। वेट अ मिनट सर, मैं अभी पता लगाता हूँ। हाँ। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे थे सर, वो जगीरा टेररिस्ट गुंडा बदमाश उधर सामने ही है, अब वो बचकर नहीं जा पाएगा सर, छोड़ूंगा नहीं। तुमने जगीरा को गुंडा बदमाश कहा? सर, उस जगीरा के कान तो बड़े तेज हैं, वो इतनी दूर से भी हमारी बात सुन पा रहा है। लड्डू सिंह, मेरी बात सुनो तो। हाँ हाँ, बस एक बार देख लूं कि वो लोग कितने आदमी हैं। हम लोग 10 आदमी हैं। लड्डू सिंह, इट्स माय ऑर्डर, बाइनोकुलर हटा के अपने सामने देखो। ओके सर। चूहे को उसके बिल से और जगीरा को जंगल से पकड़ना नामुमकिन है। ले चलो इन सबको। शिवा, शिवा कुछ करो, हम सबको जगीरा टेररिस्ट ने पकड़ लिया है। मैं आ जाएगा। अब से ना कोई फोन है? ना कोई बाहरी इंसान तुम्हारी जिंदगी बचाने आएगा। साथ में तो क्या होता, अब इस मुसीबत से हमें कौन बचाएगा? हम सबको अभी निकलना होगा, लड्डू सिंह जी और कमांडोज को टेररिस्ट जगीरा ने पकड़ लिया है। मैं आगे चलता हूँ, आप सब पीछे पीछे रहना, जैसे ही कोई खतरा दिखेगा मैं फोन कर दूंगा, तब आप सब शहर आकर मदद ले आना। ओके शिवा, लेट्स गो।
जंगल के भूत हम दिखता नहीं है, हम तुमको खा जाएंगे। जो सबसे अच्छा बच्चा होगा उसको सबसे पहले खाएंगे। मैं तो सबसे खराब हूँ, मुझे तो बहुत डर भी लगता है, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे मत खाना प्लीज, मैं तो ऐसे ही झूठ मूठ की कहानियाँ सुनाता हूँ। सारी पलटन जमा हो चुकी है, बच्चों को एक साथ एक कमरे में बांध दो और इन कमांडोज की टोली को दूसरे पास वाले कैंप में बांध दो। बच्चा लड्डू सिंह को खाना बनाने को कह दो। अरे तुम मुझसे एक पुलिस इंस्पेक्टर से खाना बनवाओगे? हाय, मैं इंस्पेक्टर हूँ, कोई खान सामा नहीं। हाय, जरा ना नुकुरगी तो बर्तन भी धुलवाऊंगा, जाओ खाना बनाओ। जो अगर शिवा यहाँ पर होता तो वो क्या करता? अगर शिवा होता तो वो दरवाजा खोलता और जैसे ही गूंज आते तो उनको फ्लाइंग किक मार के भगा देता। तो तैयार हो जाओ, हम भी वैसा ही करेंगे। आदि, यू कैन डू इट। ठीक है, बुलाओ टेररिस्ट को। आई एम रेडी। जल्दी अंदर आइए, दरवाजा खोलिए, देखिए क्या हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहा है बच्चे? बच्चा मत कहना अंकल। एडी, एडी नाम है मेरा। कुछ नहीं अंकल, मेरे दोस्त यूडी को भूख लग रही है, उसको खाना दे देंगे प्लीज। खाना मिलेगा, पर अभी तुम्हारा वो इंस्पेक्टर खाना बना रहा है, जब बन जाएगा तब तुमको सीख जाएगा। तब तक बिना शोर किए बैठे रहो। समझ में आ गया कि फिर से समझाऊं? नहीं नहीं, समझ गया, मैं तो एक बार में सब समझ जाता हूँ। एक इंस्पेक्टर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हाय, अरे खाना बना रहा हूँ वो भी कोयले के चूल्हे पर। जगीरा जी, क्या आप लोगों के पास गैस चूल्हा नहीं है? चुपचाप जाओ और जो है उसी पर खाना बनाओ। मैंने कोई होटल नहीं खोला है कि तुम्हें सारी चीजें मिलेंगी। मेरा शिवा आ गया, वाह वाह, मेरा शिवा आ गया। अब शिवा तुम सबकी बैंड बजाएगा। लड्डू सिंह जी चिल्लाए क्यों? मैंने तो आपको चुप रहने के लिए कहा था।
चलो शिवा, वो लोग शायद सामने वाले हट पर हैं। लड्डू सिंह जी, पहले आप जाकर उस टेररिस्ट को खाने के बहाने ले जाइए, फिर मैं आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर कौन? मैं? नहीं 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 नहीं, मैं तो आपका खान सामा हूँ, खान सामा। कहने आया था कि खाना बन गया है, आपके बॉस ने साथ खाने के लिए आपको बुलाया है, जब तक मैं बच्चों को खाना खिला देता हूँ, जल्दी आ जाओ। ठीक है ठीक है, पर कोई होशियारी दिखाई तो अच्छा नहीं होगा। बच्चे कहाँ हैं? मुझे क्यों मारा? भागो यहाँ से, कमांडोस कहाँ पर हैं? उन लोगों को पास के किसी कैंप में होस्टेज बनाया है। जगीरा के ठिकाने का उन सबको पता चल गया है। अलर्ट हो जाओ, अपने साथियों को छुड़ाने के लिए वो लोग इधर भी जरूर आएंगे। बच्चे तुम नहीं जानते, चूहे को उसके बिल से और जगीरा को उसके जंगल से पकड़ना नामुमकिन है। बच्चा मत कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ। रुक, रुक,
बच्चा बड़ा शातिर है, फिर बच गया, पर अब नहीं बचेगा। बच्चे, अब तुमको कौन बचाएगा? बच्चा मत कहना अंकल। मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बिल से भले ना पकड़ा जा सके, पर आपको तो जंगल से ही पकड़ लिया हम सब ने। जो काम हम सब कमांडोज मिलकर नहीं कर सके, वो सब तुमने अकेले ही कर दिया। थैंक यू शिवा, तुम बहुत बहादुर हो। थैंक यू वेरी मच।